तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ज्योग्राफी अपना चल रहा था, राजस्थान का ज्योग्राफी, और जो राजस्थान का जो ज्योग्राफी है उसमें अपन पहला पार्ट पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट हमने स्टार्ट किया है, और वो दूसरा पार्ट का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो, अब तक जो नहीं जुड़ पाए वो अब जरूर जुड़ जाएगी। यहाँ से ज्योग्राफी अब स्टार्ट होती है आपके मैथ्स के हिसाब से। ये दूसरा पार्ट ऐसा पार्ट, अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं या इसमें आप छुट्टियां कर लेते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो बहुत गलत बात। ये आपका बेस है। अगर राजस्थान को समझना है तो किसी भी जो आगे जितने भी चैप्टर हैं उनके लिए यह पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जानना है राजस्थान की पठारों को, पर्वतों को, मैदानों को, मरुस्थल को, तो सब कुछ इसी में आपको मिलेगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको थोड़ा थोड़ा राजस्थान के परिचय करा दिया था, भौतिक प्रदेशों का, कहाँ से ये आए, गोंडवाना लैंड क्या है, पेंजिया क्या है। मैंने ये भी बताया था आपको कि पेंजिया का निर्माण कैसे हुआ, पेनशाला कहाँ से आया, पेनशाला क्या है, अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, लारेंसिया क्या है, 33 भूसन्नति क्या है, भूसन्नति क्या होती है। हमने इन सब चीजों की बात कल की थी। मैंने बता दिया था आपको पेनशाला क्या है, एक महासागर है, पेंजिया क्या है, एक महाद्वीप है, अंगारा लैंड क्या है, पेंजिया का भाग है, गोंडवाना लैंड क्या है, पेंजिया का भाग है, भूसन्नति क्या होती है, पर्वतों का पालना होता है, पेंजिया से किन किन का निर्माण हुआ है, अंगारा लैंड का और गोंडवाना लैंड का। अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड से कौन से महाद्वीप बने, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर बात थी कि राजस्थान का निर्माण किन दो प्राचीन भूखंडों या प्राचीन स्थलों पे हुआ है, एक गोंडवाना लैंड था और एक 33 सागर। तो राजस्थान के निर्माण में गोंडवाना लैंड और 33 सागर का योगदान है। अब सब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक सारणी आई थी कल। तो मैंने कल यहाँ से स्टार्ट किया था आपको, कल यहीं पढ़ा रहा था। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देखिए, आप यहाँ पढ़ते पढ़ते नोटिस करना कि क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके सामने। क्वेश्चन आएगा, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण किस पे हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन होगा गोंडवाना लैंड, 33 सागर, अंगारा लैंड, लारेंसिया। तब तो आप क्या कहेंगे, तब तो आप कहेंगे कि इस भौतिक प्रदेश का यानी पूरी मैदानी प्रदेश का निर्माण 33 सागर पर हुआ है। अगर आपको पूछता है कि जो मैदान है वो किस कालखंड में बने हैं, तो ध्यान रखिए मैदान निम्न प्लास्टोसीन से होलोसीन काल के दौरान बने हैं। ये सारणी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। फिर यहां पे लिखा है फोर्थ, यानी कि निर्माण क्रम। अगर आपको ये पूछता है कि जो पूरी मैदानी प्रदेश है वह राजस्थान का, उसका निर्माण राजस्थान में कब हुआ, अगर आपके पूछे राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है पूरी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, पूरी मैदानी प्रदेश। देखो ये लिखा हुआ है राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश। अब देखो आगे बढ़ते हैं साहब। अब ये पूछता है कि जो ये मैदान थे वो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे हैं, राजस्थान के 23% भाग फैले हुए हैं। इसमें राज्य की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में वर्षा का जो परास है कितनी होती है, यहाँ पे वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाती है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदियों द्वारा लाई गई हुई। और इन मैदानों का निर्माण किसने किया, नदियों ने किया। जलोढ़ मिट्टी को का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, अल्फी सोल्स। यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, यहाँ पे मुख्यतः धोंक के पेड़ मिलेंगे आपको बहुत बड़ी मात्रा में, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली और सालर में भी बहुत बड़ी मात्रा में सालर और धोंक के पेड़ पाए जाते हैं। अगर यही बात हम मरुस्थल की तरफ जाएं, तो मरुस्थल का निर्माण अगर पूछे आपको मरुस्थल का निर्माण कब हुआ, तो आप क्या कहोगे, निम्न प्लास्टोसीन
प्लास्टोसीन काल में। ठीक है, फिर ये पूछेगा आपको कि ये जो मरुस्थल है राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। यह है मरुस्थल राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। इसमें राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो ध्यान रखिए इसमें राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में जो वर्षा कितनी होती है, इस क्षेत्र में 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ध्यान रखिए इस क्षेत्र में 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे किस प्रकार की रेत मिलती है, शुष्क और अर्ध शुष्क रेत पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क रेत पाई जाती है। यहाँ पर इसको जो रेत है उसको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण में एल्डोसोल्स और अल्टीसोल्स बोलते हैं। कई बार आता है राजस्थान की शुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एल्डोसोल्स और अल्टोसोल्स। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है मरुभित प्रकार की वनस्पति होती है, उसे जीरोफाइट्स कहते हैं। ये अपन ने कल बात कर ली थी, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। अब देखो पहला जो आपका मामला है या पहला जो आपका भौतिक प्रदेश है वो है अरावली। क्या है, अरावली। राजस्थान का जो पहला भौतिक प्रदेश है उसको कहते हैं अरावली। देखो अरावली को अडावड़ा पर्वत भी कहते हैं, अडावल भी कह दो, प्राचीन जो काल में इसको अडावल या अडावल वाला पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो विष्णु पुराण में जो नाम मिलता है, विष्णु पुराण में इसको परिचय पत्र कहा गया है, परिपत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अरावली के बारे में बात करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं। अरावली राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। तो अरावली अगर पर्वत की बात करें, अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य में स्थित है और मध्य में यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एक कर्ण के रूप में फैली हुई है। अरावली के मध्य भाग में स्थित है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह कर्णवत रूप से फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में मरुस्थल स्थित है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में क्या है, मरुस्थलीय भूभाग है और जो पूर्वी भाग है वहां पर मैदान स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला एक तरह से विभाजक है मैदानों और मरुस्थल के। अरावली के पश्चिम में मरुस्थल है और पूर्व में क्या है, मैदान है। अब सवाल है वो जो पहला लाइन जुड़ी हुई थी, अरावली किसका भाग है, तो ध्यान रखना आप, अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर पूछे अरावली का निर्माण किस पर हुआ है, तो अरावली का निर्माण गोंडवाना लैंड पर हुआ है। या यूं भी कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है, मैदानों का भाग है, हिमालय का भाग है, प्रायद्वीप पठार का भाग है, द्वीपीय प्रदेशों का भाग है। तो आप क्या कहेंगे, अरावली पर्वतमाला भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का क्या है, भाग है। तो देखो कितने क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन देख रहे हो अरावली के प्राचीन नाम जो हमें उल्लेख मिलते हैं, अडावल, अडावला, अरावल, ऐसे नाम मिलते हैं। इसे परिचय पत्र भी कहा गया है विष्णु पुराण में। अरावली राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है, ध्यान रखिए अरावली का है मध्य भाग में, और अरावली के जो पश्चिम का भाग है उसमें मरुस्थल का विस्तार है, और अरावली के जो पूर्वी भाग है उसमें मैदानों का विस्तार है, और अरावली का जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड पे हुआ है, गोंडवाना लैंड के अवशेषों पे हुआ है। अगर आपको ये पूछता है अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठारी भाग का भाग है या अरावली पर्वतमाला भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो ध्यान रखिए आप साथियों, अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठारी भाग का क्या है, भाग है। तो ये होगी सब एक बात। अगर हम बात करें राजस्थान की तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में यूं मान लीजिए आप यूं फैली हुई है, यूं योगी साहब आपकी अरावली पर्वतमाला, इसको अपन ग्रीन कलर दे देते हैं। ये आपकी योगी अरावली पर्वतमाला। अभी ध्यान रखना आप,
अरावली जो पर्वतमाला है ये है आपकी अरावली पर्वत है। ठीक, अब बात अपन अब तक जो बात की वो बात ये थी कि अरावली पर्वतमाला के इधर तो क्या है, मरुस्थल है, ये अरावली का पश्चिम भाग हो गया, और इधर क्या निवास करता है, ये मरुस्थल निवास करता है। और अगर बात करें इधर की तो यहाँ जो पूर्वी भाग है अरावली का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मैदान फैले हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अरावली के पूर्वी भाग में मैदान है और पश्चिम भाग में क्या है, मरुस्थल है। अब आगे बढ़ते हैं, अब है आगे बात बढ़ते हैं तो ये आता है कि अरावली का निर्माण कब किया गया, या अरावली का निर्माण कब हुआ, किया तो कौन करेगा, तो अरावली का निर्माण कब हुआ, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत आसान सा सवाल है, बहुत बार आता है, हर एग्जाम में सवाल आता है कि अरावली का निर्माण किस काल में हुआ है, तो अरावली का निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ है। कब हुआ है, प्री कैम्बियन काल में, काल कौन सा है, प्री कैम्बियन, कब हुआ है, 65 करोड़ साल पहले। ध्यान रखिए अरावली का निर्माण प्री कैम्बियन काल में, लगभग 65 करोड़ साल पहले, बहुत पुरानी बातें है भैया ना। अब आपको ध्यान रखना है, जब अरावली बनी थी या जब निर्माण हुआ था अरावली का प्री कैम्बियन काल में, जब एक वलित पर्वत के रूप में हुआ था, एक मोड़दार पर्वत थी, वलित या मोड़दार, वलित या मोड़दार पर्वत उनको कहते हैं, जैसे कोई प्लेट होती है, ये प्लेट है, और इस प्लेट पे अगर फोर्स लगाया जाए, दोनों तरफ से क्या लगाया जाए, फोर्स, इधर से भी फोर्स लगे और इधर से भी क्या लगे, फोर्स लगे, तो इसमें मोड़ पड़ जाते हैं, और मोड़ पड़ने से जो पर्वत बनते हैं उनको बोलते हैं मोड़दार पर्वत। दोनों तरफ से अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने से जिन पर्वतों की उत्पत्ति होती है उन्हें कहते हैं मोड़दार पर्वत। तो अरावली वलित या मोड़दार पर्वत, तब ये बहुत ऊंचा था, माना जाता है कि इसकी ऊंचाई हिमालय से भी ज्यादा थी, और यह है इसका जो जड़ है, लंबाई थी, अरब सागर मानी जाती है, इसका जो गर्भ है जहां से पैदा हुई है, अरब सागर से हिमालय तक फैली हुई थी, लेकिन वर्तमान में यह घटके थोड़ी बहुत रह गई है, और वर्तमान में आच्छादन क्रियाएं जो होती हैं, अपरदन और अपक्षय, अपरदन और अपक्षय जो क्रियाएं होती हैं, अपरदन एक भौतिक प्रक्रम है और अपक्षय एक रासायनिक प्रक्रम है, तो अपरदन और अपक्षय ने इसको घिस घिस के अवशिष्ट पर्वत के रूप में कर दिया है। तो आप पूछते हैं कि अरावली वर्तमान में किस रूप में विद्यमान है, तो आप क्या कहेंगे, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अरावली उत्पत्ति के समय एक वलित पर्वत था, लेकिन वर्तमान में यह मोड़दार पर्वत है, सॉरी वर्तमान में है एक अवशिष्ट पर्वत है। अब आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं कि अरावली की तुलना विश्व की किस पर्वतमाला से की जाती है, अरावली दुनिया की किस पर्वतमाला के समान है, इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, इसकी चट्टानों का जो संरचना है, या इसमें जो और जो चीजें हैं वो किस पर्वत से मिलती जुलती है, तो ध्यान रखना अपलेशन एक पर्वतमाला है, अपलेशन पर्वतमाला, अपलेशन पर्वतमाला अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है, कहाँ स्थित है, उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है, और इसकी जो संरचना है, निर्माण काल का जो टाइम है वो इससे मिलता जुलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अरावली की समानता जो स्थापित की जाती है वो अपलेशन पर्वतमाला से की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब सवाल आता है अरावली की चट्टानों का अध्ययन, अरावली की चट्टानों का जो अध्ययन किसने किया, ध्यान रखिए अरावली की चट्टानों का अध्ययन ए एम हेरोन एक विद्वान थे, तो अरावली की चट्टानों का अध्ययन ए एम हेरोन नामक वैज्ञानिक या भूगोल वैज्ञानिक ने किया। ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया हुआ है कि अरावली का चट्टानों का अध्ययन किसने किया, और अरावली चट्टान, अरावली में चट्टाने पाई जाती हैं वो प्री कैम्बियन काल से आर्कियन चट्टानों को, अरावली में प्री कैम्बियन काल की चट्टानें मिल जाती है, आर्कियन काल की मिलती हैं, और चट्टानों को 6 भागों में बांटा किसने, हेरोन साहब ने, इन्होंने कहा अरावली में एक बुंदेलखंड भी पाई जाती है, बीजीसी ग्रुप नीसवर चट्टानें पाई जाती हैं, अरावली अरावली क्रम, देखो सर अरावली में जो चट्टानें मिलती हैं उनमें बुंदेलखंड नीस
भीलवाड़ा रूप सुपर नीस, ठीक है। अरावली कम आंतरिक भाग में जो अरावली है उसमें अरावली की कम हल्की चट्टाने पाई जाती हैं, ठीक है। रायलो क्रम की चट्टाने मिलती है, जो रायलो क्रम की चट्टाने होती हैं उनमें लाइमस्टोन पाया जाता है, लाइमस्टोन जिससे आप संगमरमर की प्राप्त होती है आपको, ठीक है। इसके अलावा देहली क्रम की चट्टाने भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देहली क्रम की चट्टाने उत्तरी अरावली में होंगी आपके, साथ में उदयपुर में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टाने भी पाई जाती है। तो बुंदेलखंड, देहली क्रम, विंध्यन क्रम, मेरवाड़ा सुपर ग्रीज, भीलवाड़ा ग्रुप सुपर की चट्टाने, ठीक है, और रायलो क्रम की चट्टाने, इस टाइप की चट्टाने यहाँ पर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना अगर आपके सामने आता है अरावली में किस प्रकार की चट्टाने सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, अरावली में किस प्रकार की चट्टाने सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? अरावली में सर्वाधिक मात्रा में चट्टाने पाई जाती हैं, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे तो आता है क्वार्टरजाइट। अरावली में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में चट्टान मिलती है वो है क्वार्टरजाइट। फिर दूसरे नंबर पर आती है अरावली में ग्रेनाइट, तीसरे नंबर पे मिलती है नीस, फिर होती है फाइकोलाइट समूह की चट्टाने। तो आपको जब भी पूछे अरावली में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, तो आप ध्यान रखिए क्वार्टरजाइट, ग्रेनाइट, नीस और फाइकोलाइट। क्वार्टरजाइट, ग्रेनाइट, नीस और फाइकोलाइट, ये चट्टाने अरावली में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब सब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अरावली का विस्तार। अरावली का जो विस्तार है, देखो भाई, अरावली का जो विस्तार है, भारत में जो अरावली का विस्तार है भारत में जो अरावली का विस्तार है वो भारत में है 692 किलोमीटर। कितना है भाई? भारत में है 692 किलोमीटर। भारत में कितना है? 692 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी आपको पूछे, राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 किलोमीटर, जबकि भारत में लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, ठीक है। भारत में अरावली का जो विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक है। भारत में जो अरावली का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक है। तो कुल मिला के जो अरावली की बात करें, तो अरावली का जो अगर अपन बनाएं, यहां से ये सिरोही है देखो, और यहां से अपन स्टार्ट कर देते हैं यूं करके, कुछ निकाल दे देते हैं, ठीक। अगर हम बात करें अरावली की, अरावली स्टार्ट होती है यहां से, ये है पालनपुर गुजरात, ठीक। यहां स्टार्ट होगी, जाएगी कहां पर? ये जाएगी हरियाणा, दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। तो हम कह सकते हैं अरावली का जो विस्तार भारत में है वो कहां से है? पालनपुर गुजरात, ये क्या है भाई? ये है पालनपुर, और ये कहां तक जा रही है? ये जा रही है रायसीना हिल्स दिल्ली तक। तो अरावली का विस्तार भारत में पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक है, और इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। कहां पे? भारत में। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान में जो इसकी लंबाई है
वो 550 किलोमीटर है। और ये जो 550 किलोमीटर है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा ये है सिरोही में। कहाँ पड़ता है? सिरोही के बॉर्डर पे पड़ता है खेड़ ब्रह्मा। तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी सिंघाना तक है। कहाँ तक है? खेतड़ी सिंघाना तक। खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी सिंघाना तक यह है फैली हुई है। ध्यान रखना, खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी सिंघाना तक यह फैली हुई है। और खेतड़ी सिंघाना पड़ता है झुंझुनू में। अब अगर पूछे भाई भारत के कितने राज्यों में अरावली का विस्तार है, तो भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, भारत के 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अरावली का विस्तार है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और राजस्थान के कितने जिलों में है ये अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है, वो याद रखना है 12 जिले, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू, यानी कुल मिला के 12 जिलों में है। उद्योग प्रसार अधिकारी में ये माना गया। पहला जो जिला है वो है सिरोही, दूसरे नंबर पे आता है उदयपुर, तीसरे नंबर पे देख रहे हो ये है डूंगरपुर, चौथे नंबर पर जो ये जिला है लंबा सा आगे लंबा ये है राजसमंद, पांचवे नंबर पे आ जाता है आपका अजमेर, छठे नंबर पे आ जाता है जयपुर, सातवें नंबर पे है दौसा, आठवें नंबर पे है अलवर, नौवें नंबर पे है सीकर, दसवें नंबर पर है सॉरी नौवें नंबर पे सीकर, दसवें पर है झुंझुनू, 11वें नंबर पे है भीलवाड़ा और 12वें नंबर पर है चित्तौड़। तो ये 12 जिले हैं भाई, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। अब देखो साहब, बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कर्णवत रूप से फैली हुई है। मैंने पहले बताया अरावली राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कर्णवत रूप से फैली हुई है। अरावली की चौड़ाई और विस्तार और ऊंचाई आदि जो चीजें हैं, चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो चाहे इसका विस्तार हो, जैसे जैसे हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, हम जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, अरावली की चौड़ाई, अरावली की ऊंचाई और अरावली का विस्तार क्रमशः कम होता जाएगा। अगर आपको ये पूछता है अरावली की सर्वाधिक विस्तार, अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे है, तो अरावली की सर्वाधिक विस्तार और अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई है उदयपुर जिले में। कहाँ पे है अरावली का सर्वाधिक विस्तार और अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई? कहाँ पे है? उदयपुर जिले में। अगर आपको पूछता है अरावली की न्यूनतम चौड़ाई, न्यूनतम विस्तार कहाँ पे है? अजमेर में। अरावली का न्यूनतम विस्तार और न्यूनतम चौड़ाई कहाँ पे है? अजमेर में। आप पूछे अरावली सर्वाधिक सक्रिय कहाँ पे है? अजमेर में। अरावली का सर्वाधिक आयतन कहाँ पे है? उदयपुर में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है, अगर आपको पूछता है अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है, ध्यान रखिए अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। वहीं अगर पूछते हैं अरावली की सर्वाधिक सॉरी अरावली की न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पे है, तो अरावली की न्यूनतम ऊंचाई जयपुर जिले में है। तो बेटा यहाँ पर आपको देखिए 5 सवाल हैं। पहला सवाल, अरावली की दिशा है राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली की दिशा राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अरावली की जो चौड़ाई है, अरावली का जो विस्तार है, अरावली की जो ऊंचाई है, क्रमशः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाएगी। अगर आपसे पूछे अरावली का सर्वाधिक विस्तार और चौड़ाई, सर्वाधिक विस्तार और चौड़ाई किस जिले में है, तो आप कहेंगे उदयपुर। अरावली का सर्वाधिक आयतन किस जिले में है, तब भी आप क्या कहेंगे? उदयपुर। अगर आपको पूछता है अरावली सर्वाधिक सक्रिय है, न्यूनतम चौड़ाई कहाँ पे है, अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ पे है, तब आप कहेंगे अजमेर। अगर पूछता है अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है, तब आप कहेंगे सिरोही। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई किस जिले में है, तब आप कहेंगे जयपुर। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं अरावली की विभाजन। देखो भाई अरावली का क्या कर दिया गया, यहाँ पर विभाजन कर दिया। अध्ययन की दृष्टि से मान लो, पढ़ाई के हिसाब से मान लो, अरावली को पढ़ने के हिसाब से हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। एक होती है दक्षिणी अरावली। क्या होती है? दक्षिणी अरावली। दूसरी होती है मध्य अरावली। एक होती है दक्षिणी अरावली, दूसरी होती है मध्य अरावली, और तीसरी होती है उत्तरी अरावली। तो विभाजन की दृष्टि से अरावली को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। अब पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। क्या है? अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखिए भाई, अगर आपको दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। मैंने कहा था कि अरावली की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाएगी। दक्षिण में अरावली की ऊंचाई सबसे ज्यादा है 1000 मीटर। कितनी है ध्यान रखना, दक्षिणी अरावली की ऊंचाई 1000 मीटर है। अगर आपको पूछे मध्य अरावली की ऊंचाई कितनी है, तो मध्य अरावली की ऊंचाई है 700 मीटर। कितनी है? 700 मीटर। और आपको पूछे भाई उत्तरी अरावली की ऊंचाई कितनी है, तो उत्तरी अरावली की ऊंचाई है 450 मीटर। तो उत्तरी अरावली की ऊंचाई है 450 मीटर। कितनी है? उत्तरी अरावली की ऊंचाई है 450 मीटर। तो तीन बातें हो गई भाई, दक्षिण अरावली की ऊंचाई 1000 मीटर, मध्य अरावली की ऊंचाई 700 मीटर और उत्तरी अरावली की ऊंचाई 750 मीटर। अब आपको पूछता है कि जो ये अरावली है दक्षिण अरावली, उसका विस्तार कितने जिलों में है। तो दक्षिण अरावली का विस्तार है उदयपुर, सिरोही। दक्षिण अरावली का विस्तार उदयपुर, सिरोही, राजसमंद आदि जिलों में है। दक्षिण अरावली विस्तार उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में है। जबकि आपको पूछे मध्य अरावली का विस्तार कहाँ पे है, तो मध्य अरावली का विस्तार आप क्या कहेंगे, मध्य विस्तार है अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर जिले। तो मध्य अरावली का विस्तार कहाँ पे है? अजमेर जिले में। ठीक है, अगर आपको पूछता है उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ पे है, तो आपको पूछे उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ पे है, तो ध्यान रखिए उत्तरी अरावली विस्तार जयपुर संभाग में है। कहाँ पे है? जयपुर संभाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। वहीं मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टाटगढ़ या गोरमजी या मोरमजी है, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ सीकर। देखो भाई इसमें आप ध्यान दो, अपन ने अरावली का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। अरावली को तीन भागों में बांट लिया पढ़ने के हिसाब से, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो दक्षिण अरावली है 1000 मीटर ऊंचाई है उसकी, मध्य अरावली है उसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है, और उत्तरी अरावली है उसकी ऊंचाई 450 मीटर है। जो दक्षिण अरावली है उसका विस्तार उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों में है। मध्य अरावली विस्तार अजमेर जिले में है। उत्तरी अरावली का जयपुर संभाग में है, और जयपुर संभाग में आता है जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। अब बात करते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी की। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी होती है दक्षिण अरावली की, वो है गुरु शिखर। मध्य अरावली की है गोरमजी या मोरमजी या टाटगढ़, और इसकी आती है उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़। चलो साहब आगे बढ़ते हैं।
अब पढ़ रहे हैं अपन दक्षिणी अरावली। अगर हम बात करें दक्षिणी अरावली की, तो दक्षिणी अरावली उसमें क्या क्या है, क्या क्या बातें पढ़नी है आपको, वो देखते हैं सब। तो दक्षिणी अरावली की अगर बात करें दक्षिणी अरावली कहां तक है, अजमेर का जो टाटगढ़ चौंटी है या गोरमजी चौंटी है उससे लेकर दक्षिण के खेड़ ब्रह्मा के 5 जिलों तक, यानी अजमेर का जो दक्षिणी चोटी है सबसे ऊंची चोटी है टाटगढ़ या गोरमजी अजमेर में जो मेरवाड़ा में है उससे लेकर दक्षिण तक यानी कि खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक ये फैली हुई है। टाटगढ़ से खेड़ ब्रह्मा तक इसका विस्तार मान लो आप 5 जिलों में है। जिले बता चुका हूं मैं, सिरोही डूंगरपुर, सिरोही और डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में भी इसको माना जाता है। पहला आता है मगरा। देखो भाई मगरा क्या है, गौर से देखना मगरा क्या है। मगरा पहली बात तो मगरा की लोकेशन समझो आप, मगरा उदयपुर का पश्चिमी भाग है। क्या है, मगरा उदयपुर का पश्चिमी भाग है। बोराट के पठार की तीक्ष्ण और छोटी कटके क्या कहलाती है, मगरा। उदयपुर के अपनी यूं कहे भाषा में क्या, दो नंबर में आ जा रहा है इसमें, क्या लिखोगे, उदयपुर के पश्चिम भाग में स्थित, उदयपुर के पश्चिम भाग में बोराट के पठार पर स्थित छोटी और तीक्ष्ण जो कटके होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मगरा कहेंगे। क्या कहेंगे, मगरा कहेंगे। तो ध्यान रखिए मगरा क्या है, उदयपुर के पश्चिमी भाग में बोराट के पठार की तीक्ष्ण और छोटी कटके क्या कहलाती हैं, मगरा। देख याद रख लोगे, मगरा क्या है, उदयपुर के पश्चिम भाग के बोराट के पठार पर स्थित छोटी और तीक्ष्ण कटके मगरा कहलाती है। अगला शब्द है आपके सामने भाकर। देखो भाई भाकर क्या होती है, पहाड़ियां होती हैं। भाकर क्या होती हैं, पहाड़ियां। तो अपन कह सकते हैं भाकर किसे कहेंगे, पूर्वी सिरोही। क्या कहेंगे अपन, पूर्वी सिरोही। पूर्वी सिरोही में स्थित, पूर्वी सिरोही में स्थित ऊंची ऊंची पहाड़ियां जिनका ढलान बहुत तेज होता हो, तीक्ष्ण हो, उन पहाड़ियों को हम भाकर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित तीक्ष्ण ढाल वाली ऊंची ऊंची चोटियां या पहाड़ियां हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाकर। अब आता है गिरवा। क्या आता है, गिरवा। आपको पूछे भाई गिरवा क्या है, तो क्या कहेंगे आप, गिरवा उदयपुर में स्थित है। पहले तो ध्यान रखना लोकेशन क्या है, गिरवा की लोकेशन है उदयपुर। उदयपुर शहर के जो चारों ओर पहाड़ियां हैं, उदयपुर शहर के जो चारों ओर पहाड़ियां हैं उनसे जो तस्तरी नुमा आकृति बनती है, कैसी, उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित पहाड़ियों से निर्मित तस्तरी नुमा, तस्तरी तस्तरी नुमा आकृति क्या कहलाती है, गिरवा कहलाती है। तो गिरवा क्या है, एक आकृति का नाम है, एक बेसिन का नाम है। तो गिरवा एक बेसिन है, उदयपुर शहर जिस बेसिन में स्थित है और जिसकी जो आकृति बनती है उस आकृति का नाम है तस्तरी नुमा। तो उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित पहाड़ियों से निर्मित तस्तरी नुमा आकृति क्या कहलाती है, गिरवा कहलाती है। एक और टर्मिनोलॉजी आती है मेवल। क्या है, मेवल। मेवल क्या है, सोम और माही नदी बेसिन के मध्य का भाग। देखो सोम नदी उदयपुर से निकलती है बीछामेड़ा की पहाड़ियों से, और माही नदी जो है वो बहती है डूंगरपुर। तो सोम नदी जो उदयपुर का जो थोड़ा बहुत भाग है, और डूंगरपुर खासतौर पर डूंगर में ही है, डूंगरपुर में ही पूरा ये पड़ता है आपको, जो
आपको कैसे बताया जाए, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में आप जाओगे तो डूंगरपुर के सोम नदी का एक प्रवाह क्षेत्र है और माही नदी के बीच का जो क्षेत्र है, तो सोम और माही नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है उससे जो अंडाकार आकृति बनती है, उस अंडाकार आकृति का जो एरिया है वो मेवल कहलाता है। तो कुल मिलाकर मेवल कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। तो सोम और माही नदी के बेसिन के मध्य का भाग जिससे अंडाकार आकृति बनती है, उस अंडाकार आकृति वाले क्षेत्र को हम मेवल कहते हैं। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यह डूंगरपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, एक आता है देशहरो। क्या आता है? देश हरो। देखो भाई, देश हरो जो है, दो पहाड़ियां हैं डूंगरपुर की, सॉरी उदयपुर की, एक है जरगा पहाड़ी और एक होती है रागा। तो जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य का भूभाग है देश हरो। ध्यान रखिए, जरगा और रागा पहाड़ियां, जो उदयपुर में दो पहाड़ियां हैं जरगा और रागा, इन जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित जो पठारी भाग है, कैसा भाग है? पठारी भाग। और ये जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग पूरा हरा भरा रहता है। इस हरे भरे भाग को अपन कह सकते हैं देश हरो। क्या कह सकते हैं? देश हरो। हम कह सकते हैं देश हरो जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित पठारी भूभाग को कहते हैं। यहाँ साल भर हरियाली रहती है क्योंकि इस क्षेत्र में जो पौधों की या वृक्षों की जो प्रजातियां हैं वो वैरायटी वाली होती हैं, इसलिए एक साथ पत्ते नहीं गिरते, इसलिए वो भूभाग हमें हरा भरा दिखाई देता है। तो साहब, ये हो गया आपका क्या आज का, पांच टर्मोलॉजी है। मगरा क्या है? बोराट के पठार। बोराट का पठार पड़ता है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच। तो ये जो बोराट का पठार है उदयपुर, ये मगरा जो है खास तौर पर उदयपुर का पश्चिम भाग है, और वहां जो बोराट का पठार है उस पर जो तीक्ष्ण ऊंची कटके पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं मगरा। भाकर पहाड़ होते हैं जिनका बहुत तीखे ढाल होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, ढलान नुमा होते हैं। तो भाकर पूरी सिरोही की पहाड़ियां हैं जिनका ढाल बहुत तेज होता है। गिरवा एक तस्तरी नुमा बेसिन है जो उदयपुर शहर को चारों ओर से घेर रखा है। मेवल डूंगरपुर के भूभाग को कहते हैं और ये सोम और माही नदियों के मध्य स्थित है। बोहमट आदिवासी बहुल क्षेत्र है। एक शब्द और रह गया, बोहमट। बोहमट भी पठारी भूभाग है और यह सिरोही, सिरोही का पूर्वी भूभाग, उदयपुर का पश्चिमी भाग और डूंगरपुर का उत्तरी भाग। डूंगरपुर का उत्तरी भाग, सिरोही का पूर्वी भाग और उदयपुर का पश्चिमी भाग के बहुल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भौमट कहते हैं सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दक्षिण अरावली के पठार। अगर हम दक्षिणी अरावली के पठारों की बात करें तो दक्षिणी अरावली पे जो पठार है वो है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। जो पहला पठार दक्षिणी अरावली में स्थित है उसका नाम है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार से जो पहला क्वेश्चन जो आता रहता है वो क्वेश्चन फिक्स है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है तो आप क्या कहेंगे? उड़िया का पठार। दूसरा, उड़िया का पठार कहाँ स्थित है तो आप ध्यान रखिए, उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? सिरोही में। उड़िया की पठार की ऊंचाई कितनी है वो ध्यान रखिए, उड़िया की पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है। आबू का पठार दूसरे नंबर पे आता है। आबू का पठार भाई, आबू नाम से ही पता पड़ रहा है सिरोही में है, तो आबू का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में। आबू के पठार की ऊंचाई कितनी है वो ध्यान रखिए, आबू के पठार की ऊंचाई है 1200 मीटर और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू के पठार की ऊंचाई 1200 मीटर है और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार सिरोही के दक्षिणी भाग में स्थित है। ध्यान रखिए, आबू जो है, आबू का पठार है वो
वह सिरोही के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी लंबाई जो है लगभग में जाए तो 19 किलोमीटर है, इतनी है लगभग में 19 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 से 12 किलोमीटर है। लंबाई 19 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है। ध्यान रखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो उड़िया का पठार है, ये भी सिरोही में है और 360 मीटर है। लेकिन आपको पूछता है आबू का पठार के बारे में बताइए, तो ये भी सिरोही में है और इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। यह पठार सिरोही के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसकी लंबाई 19 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है। अब इस पठार के जो यह जो पठार है सीपू या सुकली, सीपू या सुकली नदियों के मध्य, सुकली सीपू या सुकली दोनों एक ही है, सीपू या सुकली और पश्चिम बनास के मध्य स्थित। ध्यान रखिए ये जो तो आबू का पठार है या सीपू या सुकली या पश्चिम बनास के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में सबसे उत्तर उत्तर में इसके गुरु शिखर चोटी स्थित है। इस पठार के मध्य भाग में शेर चोटी स्थित है। ध्यान रखिए सुकली और पश्चिम बनास के मध्य स्थित है। पठार के उत्तरी भाग में जो पठार है आबू का पठार, इसके उत्तरी भाग में गुरु शिखर, मध्य भाग में शेर चोटी स्थित है। अब आप इसमें देखिए इसके जो उत्तरी भाग है इसमें इसके उत्तरी भाग में गुरु शिखर चोटी स्थित है, मध्य भाग में शेर चोटी स्थित है, यहां पर उड़िया का पठार स्थित है, ठीक है, नक्की झील इस पठार की यहां पर स्थित है और अचलगढ़ जो चोटी है वो यहाँ स्थित है। तो पूरी भाग में अचलगढ़ चोटी है, पश्चिम भाग पठार में शेर है, गुरु शिखर है बिल्कुल उत्तर में है, पश्चिम उत्तर में शेर है, उड़िया का पठार बिल्कुल पश्चिम में है, नक्की झील बिल्कुल मध्य सी में है और देलवाड़ा चोटी इसके मध्य में है। तो ये इसकी हिसाब आज की। देखिए दोस्तों ये हो गया आज का दक्षिणी अरावली, हम जिस तरह मैप बनाए जा रहे हैं कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप जुड़ जाइए मैप्स के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से आपको राजस्थान ज्योग्राफी बिल्कुल रटा दी जाएगी, समझा दी जाएगी, आपको आने वाले टाइम में बाद में कभी भी पढ़ने की आवश्यकता महसूस तक नहीं होगी। तो मेरी बात मानिए, आप जल्दी से जल्दी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए, एक शानदार प्लेटफॉर्म है, और आ जाइए आप लोग जितनी जल्दी हो सके, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ भी समस्या है तो उसमें कमेंट कीजिए, ठीक है। चलो नमस्कार दोस्तों।